Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for MBA CET 2022 exam, because in this video I'm going to discuss about the jumbled paper attempt strategy. So guys, ये बात तो clarify हो गई है DTE की website से कि paper jumbled format में आएगा, because MCA CET का जो mock test है वहाँ पे सारे exams का pattern दिया हुआ है. CET में बोला गया एक ही section रहेगा 200 question का, तो आप jumbled format मान के चलो. तो गाइस, अब इशू क्या आ रहा है कि जंबल फॉर्मेट में पेपर अगर आएगा तो हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, बिकॉज यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं होता है. तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो हम लोग आज काफी बातें करेंगे कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको कौन से टॉपिक्स में फोकस करना है, कैसे मॉक्स देने हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिकॉज सीईटी जो है काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है. आप ये नहीं बोल सकते हो कि जंबल पेपर आएगा तो लास्ट ईयर पेपर आ जाएगा. पैटर्न जंबल हो सकता है बट क्वेश्चन टाइप्स बदल सकती है. तो आपको हर तरह से स्टार्ट रेडी होना है. आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग जब एग्जाम से निकलो तो आप बोलो ये कर लेते तो हो जाता, इसलिए बोल रहा हूँ. तो गाइस, ये वीडियो अच्छे से देखना पूरा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, सारी क्लैरिटी आ जाएगी आपको. जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो बना जाएगा, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं, बीट अ स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीट अ कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट अ नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस एक काम और करना, हम लोग का एमबीए सीईटी का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं. एंड हम लोग का सीईटी का फ्री मॉक जंबल्ड पैटर्न पे लाइव है, इसको आप जरूर देना, यहाँ पे आपको काफी आइडिया मिलने वाला है. ठीक है, बाकी हम मॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने मॉक्स को कैसे डिजाइन किया हुआ है जंबल्ड फॉर्मेट में, जिससे आपको कोई भी इशू ना आए एग्जाम में, आपको हर वैरायटी मिल जाए. ठीक है, चलो गाइस गाइस पहली चीज क्या है, अब जंबल्ड फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया कि इशू ये आता है कि पहला क्वेश्चन पॉइंट्स का है तो दूसरा वीए का है तो तीसरा एलआर का है, ऐसा होता है. तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि क्वांट्स में आप 30 मिनट्स हो गए या बीए में 40 मिनट्स हो गए, ऐसा नहीं बोल सकते. तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हो, वो है स्किप एंड रन अप्रोच. आपको गाइस ये अप्रोच लगानी है और ये अप्रोच प्रैक्टिस से ही आएगी जब मॉक दोगे. तो आपको करना क्या है गाइस, पहला क्वेश्चन देखा क्वांट्स का, अगर आप फैमिलियर हो क्वेश्चन से, कभी पहले देखा है अपने क्वेश्चन, तो उसको आप 10 सेकंड्स दो डिसाइड करने में कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. अगर आ रहा हो क्वेश्चन तो करो, वरना तुरंत छोड़ के आगे जाओ. किसी भी न्यू वेरायटी जो कभी नहीं देखा आपने, उसको आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है. मुश्किल से आपको डिसीजन टाइम जो आपका होगा, जो आपका डिसीजन मेकिंग टाइम होगा, वो होगा मुश्किल से 10 सेकंड्स, क्या आप कर पाओगे क्वेश्चन के, नहीं कर पाओगे. और क्वेश्चन होने का टाइम होना चाहिए 40 to 50 सेकंड्स. ठीक है, तो गाइस ये बात बहुत ध्यान रखना. ठीक है, नहीं आ रहा है तुरंत स्किप करके फ्लैग करके आगे भागो. अब दूसरी वेरायटी क्या होती है क्वेश्चन की, जैसे कोई कोई चैप्टर ने बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने मान लो टीएसडी बहुत अच्छे से पढ़ा, आपको हर क्वेश्चन आता है, आपने बहुत सारी बुक्स लगाई है. ठीक है, वो क्वेश्चन आया, आपने देखा कि तो क्वेश्चन कई बार हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा आपसे, उस केस में भी आपको ईगो को साइड में रखना है और 20-25 सेकंड्स बाद आपको उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे भाग जाना है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है गाइस, क्वेश्चन गलत होता है, ये ऑप्शंस गलत होते हैं, लोगों का 3-3, 4-4 मिनट स्नैप में चला गया था. ये बहुत ईजी क्वेश्चन है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ऐसा हो जाता है. तो ईगो में मत लो गाइस क्वेश्चन को, चाहे जितने बार भी आपने किया हो, आंसर अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको छोड़ के आगे जाओ, वरना आपका बहुत टाइम चला जाएगा. ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, ईगो में आ जाते हैं बच्चे अपने. ठीक है, तो ये पहली चीज है और एक ही इसका मेथड है, स्किप एंड रन अप्रोच, और कोई मेथड नहीं इसका. ये प्रैक्टिस से ही आएगा जब आप मॉक्स दोगे तो. नॉट टू डिपेंड ऑन लास्ट ईयर क्वेश्चन टाइप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस. अब लास्ट ईयर देखो क्या था, पैटर्न तो जंबल्ड था, पैटर्न तो सर जंबल्ड आएगा क्योंकि तो ऐसा बोल दिया गया, और एमसीए सीईटी पेपर हुआ था वहां पे भी जंबल्ड पैटर्न आया है. एमसीए सीईटी के जो मॉक टेस्ट था उसमें लिखा भी था एमसीए सीईटी में जंबल्ड आएगा, वो हुआ, सीईटी में भी यही होना चाहिए. बट एलएलबी में लिखा है सेक्शन बेस्ड आएगा, तो जैसा बोला गया है सीईटी ऑफिशियल वेबसाइट में वैसा होना चाहिए. अब उसमें गाइस दो वैरायटी हो सकती है. अब जंबल्ड जब आएगा तो उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा लास्ट ईयर जैसा आएगा. अब देखो आपको याद होगा सितंबर में सीईटी सेल ने सर्कुलर डाला था कि सीईटी सेल क्वेश्चन डिसाइड करेगा. ठीक है, तो अगर मान लो जंबल्ड पेपर में सीईटी सेल या मेरिट ट्रैक दो बॉडीज हैं क्वेश्चन वाली, अगर सीईटी सेल के क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि जंबल्ड पैटर्न आए बट यहाँ पे पजल्स वगैरह भी सब हो जो सीईटी में होते हैं. जंबल्ड तो आएगा, उसमें सीईटी सेल क्या करेगा, पजल वगैरह डाल देगा, जो सीट जो आईबीबीएस में होते थे, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है. और अगर सीईटी सेल पेपर नहीं बना रहा है, मेरिट ट्रैक बना रहा है, तो लास्ट ईयर पेपर आ सकता है. लास्ट ईयर पेपर में क्या हो सकता है, लेवल बढ़ सकता है बट हो सकता है पजल्स ना हो. ठीक है, तो आपको दोनों तरह के मॉक देना जरूरी है. जंबल्ड तो आपको देना ही देना, उसमें डाउट नहीं है. अब जितना भी टाइम रह गया है मैं सबको बोलूंगा जंबल्ड ही मॉक दो खाली. ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग काफी सेक्शन बेस्ड मॉक दे चुके हो, तो जितना टाइम रहेगा जंबल्ड मॉक दो. उसमें आपको दोनों वैरायटी दोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा. फिर आपको अगर ये दोगे तब भी बच जाओगे आप, ये दोगे तब तो बच ही जाओगे आप. तो आपको दोनों वैरायटी की मॉक देना जरूरी है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो, ट्राई करो कि दोनों वैरायटी के मॉक्स कर लो आप. ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप सेफ साइड रहोगे गाइस. हम यही चाहते हैं बिकॉज सीटी इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है. बट दोनों टाइप्स में वैरायटी सब आएंगी, आपको वैरायटी तो सब पढ़नी पड़नी है, उस पर अभी हम आएंगे आगे.
अब देखो गाइस, तीसरी चीज, किसी भी हाल में आरसी पजल्स एंड डीआई को टच नहीं करना है आपको एग्जाम में, चाहे आपको जितना एक्सपर्ट हुआ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं गाइस। आपने आरसी पढ़ा, फिर इन्फ्रेंस निकाला, उसके बाद भी सही नहीं हुआ, इतनी देर में आप 6 क्वेश्चन कर लोगे हो सकता है, या पजल से आपने टाइम लगाया, पर एक केस और बन गया, आप बना ही नहीं पाए वो केस, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ये तीनों चीजें आपको पेपर अटेम्प्ट होने के बाद करनी, जब टाइम बचे तब। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बड़े फंस जाओगे आप, ठीक है? कभी कभी क्या होता है ना, पजल लगता छोटा है बट ट्रिकी होता है वो, आपका टाइम टाइम वेस्ट होगा और साथ में नर्वसनेस आएगी, ये होगा। आप क्या है, मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अक्रॉस ऑल द टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस, लास्ट ईयर की गलती सीख जाओ। लास्ट ईयर हर टाइप से क्वेश्चन आए थे, चाहे आपका लॉग हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस हो, चाहे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ठीक है, कुछ भी हो, बाइनोमियल थ्योरम, आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है, नंबर सिस्टम हो, ठीक है, आपको अर्थमेटिक पढ़ते ही हो आप, तो आपको हर वैरायटी करके जानी है गाइस। लास्ट ईयर जो बच्चे खाली अर्थमेटिक पढ़ गए थे उनका नंबर नहीं आया था अच्छा, जो सब कुछ पढ़ गए थे उनका नंबर अच्छा आया था, बट मेहनत उन लोगों ने की थी जो अर्थमेटिक पढ़ गए थे, बट तब भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि वैरायटी आ गई, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और सब कुछ पढ़ के जाना है आपको, क्योंकि गाइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज में बहुत ज्यादा फिक्स रहो, सारी वैरायटी करके जानी है आपको, ये बात ध्यान रखो। खाली मॉक में मॉक देने से नहीं होंगी चीजें, मॉक के साथ टाइम निकालना पड़ेगा वैरायटी कवर करने के लिए। गैस कम से कम 20 मॉक का टारगेट रखो जंबल फॉर्मेट में, अभी भी टाइम है, एक दिन दो मॉक भी कभी भी दिया जा सकता है संडे में वगैरह को, जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं तैयारी वो तो रोज दे सकते हैं, मैं रोज मना करूंगा, कभी कभार दो, जैसे आपके पास 4 से लेकर 20 तक का टाइम है, 22 मान लो, 22 तक 20 मान लो, चलो 20 मान लो, 17 मॉक से दे दोगे आप, फिर 2-3 मॉक का बीच में ऐड कर लो और, ठीक है, संडे को 2 मॉक दे दिया से, तो 20 मॉक जंबल फॉर्मेट देने का टारगेट करो, 20 या 20 से थोड़ा सा कम, 18 मान लो, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको अच्छे से एनालाइज करो, इससे आपको प्रैक्टिस होगी, बिकॉज जंबल फॉर्म में इस चीज में एक्सपर्ट बनने में टाइम लगेगा, उसके इसके बिना अप्रोच होगा, ठीक है गाइस। जितने ज्यादा शॉर्टकट्स आप रिवाइज कर सकते हो, इस टाइम पे रिविजन में ध्यान दो, नई चीजें तो करो बट जो आपने कर रखा है, कोई आपने कोचिंग ली होगी, कोई क्लास ली होगी, जो भी लिया, वहां जो भी पढ़ाया गया आपको, ये मेक श्योर करो कि जो पढ़ाया गया वो आपको याद रहे, क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है ना कि आपको जो पढ़ाया गया वही याद नहीं रहता आपको, फिर आप बोलते हो आया नहीं, वो नहीं आया, ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कई बच्चे एक ही कोचिंग से पढ़ते हैं बट कई बच्चे निकल जाते हैं, कई बच्चे नहीं निकलते, उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि उन्होंने कितने बार रिवाइज की चीजें, वो मैटर करता है, यही बार देखने से नहीं होंगी चीजें, तो आप रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, जितने शॉर्टकट कर सकते हो करो, ठीक है। बाकी शॉर्टकट्स मेनली पॉइंट्स में है, एलआर में वो सब चीजें कर लो, क्वांटी कंपेरिजन, इनइक्वालिटीज, नंबर सीरीज, ये सब, बाकी टॉपिक सारे पढ़ के जाओ, क्यूब्स वगैरह हर चीज, और क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ढंग से, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब, ठीक है गाइस। आपके नोट्स जो बनाए आपने उसको रिवाइज करो प्लीज, उसको अच्छे से, मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, ये रिवाइज करो अच्छे से, बाकी वैरायटी भी ध्यान दो गाइस, वो चीज है। सो गाइस ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो आपको हेल्प करेंगी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पढ़ाई तो सब करते हैं बट ये सब चीजें नहीं पता दिक्कत होगी आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मॉक्स अपने सब चेंज कर दिए, 18 फुल लेंथ मॉक्स जो पहले थे, पहले उसमें से 12 मॉक्स सेक्शन बेस्ड थे, 6 मॉक्स जम्बल थे, अब सारे सारे 18 मॉक्स हो गए जम्बल, सबके सब 18 मॉक्स जम्बल हो गए, पर आपको सेफ साइड में रखने के लिए हमने क्या किया है, 18 में से जंबल सब हैं, 12 मॉक्स में थोड़े पजल्स मिलेंगे आपको, और जो लास्ट के 6 मॉक हैं यहाँ पे पजल्स कम मिलेंगे आपको, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, तो ये 18 मॉक दे दिया अगर आपने जंबल फॉर्मेट में, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, और 18 के 18 सारे मॉक्स से हमने सारे चैप्टर से क्वेश्चन डाले हुए हैं, ऐसा नहीं अर्थमेटिक डाला है, सबसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो बहुत ज्यादा सीखने मिलने वाला है आपको यहाँ पे, तो आपको वर्स्ट केस में जाना है, बिकॉज सीटी ऐसा ही एग्जाम, या अनप्रेडिक्टेबिलिटी वो होता है, तो आपको सब मिलेगा, पेपर सारे क्वेश्चन मॉक्स सारे जंबल ने, इसमें 12 मॉक्स में हमने पजल डाले हुए हैं ताकि आपको वर्स्ट केस में रहो, और 6 मॉक्स में पजल नहीं है ज्यादा, कुछ पजल होंगे, ठीक है, तो ये चीज है, तो आप इसको एनालाइज करोगे, क्वेश्चन वैरायटी देखोगे, आपको बहुत हेल्प होगी, तो 18 मॉक्स हैं, बाकी डेप्थ एनालिसिस होता है पूरा, लीडर बोर्ड वगैरह सब रहता है, प्राइसिंग एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, 1099, 1100 के 18 मॉक्स सब जंबल पैटर्न में, लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है, इसमें से अभी 13 मॉक लाइव है, आज 14th मॉक भी लाइव हो जाएगा, ठीक है, और 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर बाकी 4 मॉक भी लाइव हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको एक वैरायटी कवर करनी है, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार वैरायटी की बात कर रहा हूँ मैं बार बार, वो वैरायटी अगर आपको करनी है, कम टाइम में ज्यादा इनपुट ले सकते हो आप, वो कब होगा जब आप ये देख सकते हो, हम लोगों का 300 शॉर्टकट डिस्कशन चल रहा है लाइव, ठीक है, हम लोग की 5 क्लासे हुई हैं, करीब 100 शॉर्टकट डिस्कस कर चुके हैं, अब शॉर्टकट मतलब ये नहीं होता सारे शॉर्टकट ही होंगे, शॉर्टकट से मेरा मतलब है कि 300 ऐसे क्वेश्चन जो सीटी के लिए मोस्ट रिपीटेड है, क्योंकि सीटी की इतनी दम नहीं कि नया क्वेश्चन बनाने के दे रहे, वो देगा वही चीज जो कभी कभी आ चुकी है, ठीक है, इन लोग ऐसे ही रहता है नॉन कैट का, तो ये जो वर्कशॉप है, जो मिनी क्रैश कोर्स है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे 300 शॉर्टकट जो हम लाइव पढ़ा रहे हैं वो रहेंगे, सबकी रिकॉर्डिंग रहेगी, प्रैक्टिस सेशन से बहुत हेल्प होगी,
50 एडिशनल वीडियोस एलआरवीए के मेरे लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी थ्योरी हैंडआउट्स का टाइम नहीं है, देखना हो देख लेना। 18 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे मिलेंगे, जो आप बताया मैंने 1100 के, इसकी कॉस्ट सिर्फ 1500 है। तो 400 रुपये मॉक्स से एक्स्ट्रा देने में आपको ये सब मिल रहा है, और ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? बिकॉज हम लोग लगातार क्लासेस ले रहे हैं और हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे, मिनिमम 300 तो करना ही है, ज्यादा हो जाए तो और अच्छा है, मेरा टारगेट ये है। तो गैस अभी भी अगर आपको ढंग से करना है, कम टाइम में अच्छा रिविजन करना है, तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे चैप्टर से क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा नहीं खाली अर्थमेटिक करा रहे हैं। कल ही अलजेब्रा की क्लास हुई थी, सारी वैरायटी कराई है। अभी अलजेब्रा की 2 क्लासें और चलेंगी, फिर ज्योमेट्री में आएंगे, फिर मेंसुरेशन में आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, सब कुछ करके जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो अगर आपको वाकई करना है तो अभी भी टाइम है, 20 दिन में बहुत कुछ सीख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्लासें 5 से 6 क्लासें में ट्राई टारगेट करेंगे कि बीए की भी लेंगे, जबांशु सर दूसरी फैकल्टी जो, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स हैं जो हम यूट्यूब पे बनाते रहते हैं, वो भी हमने एक अलग से सेक्शन में डाल दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो भी देख सकते हो आप। तो गाइस जितना देखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि मॉक्स का क्या है ना, कि मॉक्स में आपका जो बोलते हैं ना स्पीड नहीं बनती, सीधा सा मतलब होता है स्पीड ना बनने का, आपको कितनी जल्दी याद है चीजें। अगर आपको 5th क्लास का पेपर दिया जाए, अपने आप स्पीड बन जाएगी ना। क्यों बन जाएगी स्पीड? क्योंकि आपको चीजें रटी हुई है पूरी, आपने क्वेश्चन देकर तुरंत कर लिया, वो चीज यहाँ पे भी आपको करनी है। इसलिए बोलता हूँ ज्यादा फोकस करो पढ़ाई पे, वैरायटी पे, जितनी वैरायटी रहेगी उतना आपको अच्छा रहेगा, ठीक है? तो जिन लोग अभी भी देखना हो देख सकते हैं, यू कैन विजिट mauzon.in/cet, एनरोल करके यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट। बाकी रिजल्ट देख सकते हो, लास्ट ईयर के काफी अच्छे रिव्यूज एंड रिजल्ट होते हैं, ये सीमेंट रिजल्ट है, ठीक है? तो गाइस ये नंबर है मेरा, यू कैन व्हाट्सएप भी एड्रेस नंबर, यहाँ पे आप मुझे इंक्वायर कर सकते हो, कुछ और करना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एनमैट स्नैप का कोर्स भी हम लोग का लाइव चल रहा है, ठीक है? और हम लोग को 24th ऑफ अगस्त से न्यू बैच आ रहा है एनमैट स्नैप का, टिस्क का, एसआरसीसी का, जितने नॉन कैट है सबका अलग अलग भी आ रहा है, और नॉन कैट का कोर्स पूरा भी आ रहा है। तो काफी चीजें आ रही है 24th अगस्त को, तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी हो देन यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। चलो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।